कारण रशिया चैनल की ओर से हमारी स्पीचिंग बदल पास्टर को उनके स्पीचिंग बदे में बहुत सारी शुभकामनाएं हैप्पी बर्थडे हमारे स्पीचिंग मैन को मुझे आप लोग आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करें परमेश्वर आपको ब्लेस करे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सबको जेम्स की मेरा विश्वास है आप सब जन सी में ब्लेस्ड होंगे। शारम दासिया चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में तो जान ही लिया होगा और आपने जरूर में भी देखा वीडियो में भी देखा, और आज की वीडियो जो कि है हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरा जी के लिए, और आज जो कि 16 तारीख को उनका जो कि स्पिरिचुअल बर्थडे है हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इतने अच्छे जो कि हमारी स्पिरिचुअल मदर दी, हमारे स्पिरिचुअल मेंटर्स दिए जो कि हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे वचन लेकर आते हैं, हमें वचनों की ज्ञानता में लेकर जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए इन्हें चुना हालेलुया। और आप सब भी हमारी स्पिरिचुअल मदर अपनी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरा जी का जो कि बर्थडे विश कीजिए, इन्हें शुभकामनाएं दीजिए और ख़ास करके इन्हें प्रार्थना में याद रखिए, इनकी फैमिली को प्रार्थना में याद रखिए और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करिए कि परमेश्वर ने जैसे बीते समय में इन्हें संभाल कर रखा आगे भी परमेश्वर इन्हें अपने पंखों की आर के नीचे रखे, परमेश्वर इन्हें धीराजू से तृप्त करे और अपने की उद्धार के दर्शन को दिखाए और हर एक अंधकार की शक्ति हर एक विरोधी की ताकत जो कि इनसे दूर रहे परमेश्वर अपने लहू में इन्हें ढाप कर रखे हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन्हें और ज़्यादा ब्लेस करेंगे, परमेश्वर इन्हें और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया जी की टेस्टिमनी को भी सुना होगा कि परमेश्वर ने कैसे इन्हें कहाँ से चुनकर कहाँ पर परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर ने कैसे इनकी ज़िंदगियों में बड़े काम करके परमेश्वर ने बड़ी बरकत के साथ इनकी ज़िंदगी में टेस्टिमनी दिया और परमेश्वर ने बड़ी रीति से इन्हें यूज़ किया। और आज आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में लोग इनके द्वारा भी जो कि वचन सुनते हैं, आप चर्च में टेस्टिमनी देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी दासी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी प्रार्थना की परमेश्वर आगे भी अपनी दासी को ऐसे ही इस्तेमाल करे रूहों को और बचाने के लिए सुसमाचार प्रचार करने